तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर हर... बेड़ों के हुटार में पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन, श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, 7 दिनों तक होगा श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान व भंडारा का वितरण। बेड़ो प्रखंड के हुटार गांव में राधेश्याम सिंह द्वारा नवनिर्मित श्री श्री 108 पंचमुखी हनुमान मंदिर व शिव मंदिर का 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्राभिषेक व भागवत कथा को लेकर रविवार को यजमान राधेश्याम सिंह सपत्नी की अगुवाई में गाजे बाजे व कीर्तन मंडली के साथ नाचते गाते हुए नवनिर्मित मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गयी। कलश यात्रा में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश सदस्य जगन्नाथ भगत, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री बानी कुमार राय, राजेंद्र रौनियार, भीखा उरांव, डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता शामिल हुए, जिसमें महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश लिए भगवान का जय घोष करती चल रही थी। कलश यात्रा बेड़ो साईं मंदिर मार्ग होते हुए भोया डैम पहुंची, जहां पुरोहित लाल बाबा व राज पांडे ने वैदिक मंत्रों के बीच भूमि कलश और जल पूजन किया, जिसके बाद कन्याओं और महिलाओं ने जल भरकर अपने सिर पर कलश लेकर मंदिर पहुंचे, जहां कलश स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। वहीं शाम में कार्यक्रम के दौरान वृंदावन के रामजी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में हवन आरती रामायण पाठ हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। साथ ही 7 दिनों तक भंडारा के दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा। 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में विनय पांडे, सीताराम सिंह, अर्जुन गोप, देवनाथ सिंह, नारायण सिंह, पवन सिंह, हरिमोहन गोप, सरोज गोप सहित प्रखंड व गांव के युवा समाज सेवी व बुद्धिजीवियों का सराहनीय योगदान रहा। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। साइकिल बाबू Thank you for watching this video.